दादी ये प्रश्न किसी ने पूछा है कि दादी आप बाबा को याद करते हैं और आप बाबा से सूक्ष्म वतन में भी मिलते हैं तो बाबा की याद और बाबा से सूक्ष्म वतन में मिलना इसमें कुछ अंतर है या क्या है यानी क्या अंतर है ये पहला प्रश्न है बाबा से मिलने वतन में और याद में फर्क है क्यों वतन में जब हम मिलते हैं तो बाबा के वरदान ट्रांस द्वारा मिलन होता है या बाबा हमको संदेश देता है सभी के प्रति तो ट्रांस के वरदान द्वारा सब मिलना सेवा सब उसमें होता है और याद करना बाबा को वो योग है तो योग हमारे इस ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ है जिस पुरुषार्थ के अनुसार ही हमको बल भी मिलता है फल भी मिलता है या पद भी जो मिलेगा वो इस समय ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ से मिलेगा तो योग हमारी मेहनत है हमारा पुरुषार्थ है जिसका बल और फल जितना हम योग लगाते हैं उतना मिलता है बाकी बाबा से मिलना करना जो ट्रांस का है वो वरदान है और उस वरदान में हमको भी प्राप्ति तो होती है ऐसे नहीं है प्राप्ति नहीं होती है प्राप्ति ये होती है कि डायरेक्ट बाबा से जो वरदान मिलते हैं सभी के प्रति मानो कोई भी बच्चों के प्रति बाबा डायरेक्शन देता है तो वो डायरेक्ट डायरेक्शन पहले तो मैं सुनती हूँ पीछे यहाँ सुनाती हूँ तो उसका बल भी मिलता है वैरायटी रीति से सभी बच्चों के क्वेश्चन का उत्तर बाबा देता है डायरेक्ट वहाँ तो वो हमको बल मिलता है और सेवा का फल भी मिलता है सहज पुरुषार्थ हो जाता है लेकिन वो वरदान है और ये अपना पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के अनुसार हम भविष्य भी बना रहे हैं और भविष्य के साथ वर्तमान पहले बन रहा है तो समझा आपने कि योग का अलग अनुभव है और बाबा से मिलने का अलग अनुभव है